हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। और देखिए, आज फिर से मैं एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। और क्योंकि देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल के आई है जिसको शेयर करना बहुत जरूरी था, और वो शायद इसके आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी तक आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस तरीके से पिछले 3 महीने के अंदर लॉकडाउन में एक के बाद एक 11 ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपने साथ में जोड़ा और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के स्टेक को बेचकर अपने आप को नेट डेट फ्री कंपनी बना लिया। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए, फेसबुक जैसी कंपनी को वो लोग लेके आए हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ग्लोबली उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लाके इन्वेस्ट करवाया। बहुत ही बड़ी बात थी किसी भी इंडियन कंपनी के लिए। और उस दौरान जब कोरोना में जूझ रही थे बिजनेसेस करने के लिए कि कैसे फाइनेंस को लेके आएंगे, रिलायंस एक ऐसी कंपनी निकल के आई जहां पर वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आई अपने अंदर, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, कई हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने अपने अंदर करवाए। अब देखिए, ये न्यूज जो आ रही है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ऐसा पार्टनर बेसिकली रिलायंस ने अपने साथ में जोड़ा है कि जो टेक्निकली जियो प्लेटफॉर्म्स को और भी ज्यादा एडवांस बना देगी। आपने देखिए नाम सुना होगा क्वालकॉम का। क्वालकॉम इनकॉर्पोरेशन बेसिकली 730 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपको याद होगा जब आज से 16-17 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब एक यूनिट हुआ करती थी, तब इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन की शुरुआत करी थी और स्टार्टिंग में इन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी वो थी CDMA की, यानी कि कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू इन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड कराई थी। उसमें भी इनका जो पार्टनर था वो क्वालकॉम ही था, क्योंकि क्वालकॉम ने ही इंडिया के अंदर सबसे पहले CDMA की सर्विसेज देनी शुरू करी थी। इसके अलावा जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो GSM की सर्विस प्रोवाइड कराया करते थे। तो क्वालकॉम के साथ में रिलायंस का बेसिकली बहुत पुराना नाता है, और अब ये वापस से रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक स्टेक लेकर यहां पर टेक्नोलॉजिकली जियो प्लेटफॉर्म्स को साउंड बनाने के अंदर काम करेगी, उसको एडवांस बनाएगी। और मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत ही अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा रिलायंस जियो को। तो सीधे आपको लेके चलता हूं उस आर्टिकल के ऊपर, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ अभी स्टॉक के अंदर आगे देखा जा सकता है मूव। देखिए, रिलायंस की तरफ से वैसे हर दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ में हुई है पिछले 3 महीने में, अब उनकी रिसिप्ट जनरेट की जा रही है। अब वो पैसा बेसिकली प्रैक्टिकली रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, और एज पर दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनको इक्विटी शेयर्स भी अलॉट किए जा रहे हैं। तो हर दिन आप एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन मैं 12 तारीख का आपको दिखा रहा हूं, जिसके अंदर क्वालकॉम वेंचर्स इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड टू इन्वेस्ट 730 करोड़ रुपीज इन जियो प्लेटफॉर्म्स, यहां पर ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। 730 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट क्वालकॉम करने जा रही है। देखिए, इस आर्टिकल में क्लियरली यहां पर दिया गया है कि क्वालकॉम जो है, द इन्वेस्टमेंट विल डीपन द टाइज बिटवीन क्वालकॉम एंड जियो प्लेटफॉर्म्स टू सपोर्ट जियो प्लेटफॉर्म्स ऑन इट्स जर्नी टू रोल आउट एडवांस्ड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। देखिए, यहां पर जो क्वालकॉम है वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में जियो प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंडियन कस्टमर्स के पास में जल्दी से जल्दी 5G सेवाएं पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, और इसके हिसाब से आप आज ये कह सकते हैं कि शायद जियो इंडिया की पहली ऐसी सर्विस होगी जो 5G नेटवर्क के ऊपर काम करती हुई नजर आएगी, और हम लोग 5G एक्सपीरियंस करेंगे सबसे पहले रिलायंस जियो के थ्रू। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, देखिए आज की तारीख में 38.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जियो के। छोटी मोटी कंपनी नहीं रह गई है, 38.8 लगभग 40 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और हर महीने हर क्वार्टर में जबरदस्त इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जियो में। तो यहां पर इतने बड़े सब्सक्रिप्शन बेस के साथ में आज जियो प्लेटफॉर्म्स खड़ी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो कम समय में इन्होंने अचीवमेंट ये करके दिखाया है, ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। देखिए, यहां मैं इंपॉर्टेंट वो मैसेज दिखाना चाहूंगा आपको, मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो मैंने अभी आपसे कहा भी है कि इन्होंने बोला है कि देखिए, टुडे आई एम डिलाइटेड टू वेलकम क्वालकॉम वेंचर्स एज एन इन्वेस्टर इन जियो प्लेटफॉर्म्स। Qualcomm has been a valued partner for several years and we have a shared vision of connecting everything by building a robust and secure wireless and digital network and extending
द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी टू एवरीवन इन इंडिया. ये ऑलरेडी देखिए मैंने आपको बताया था, इनका कई सालों से एक वैल्यूड पार्टनर भी रहा है जिसको उन्होंने यहां पर बोला. उसके बाद में देखिए, एज ए वर्ल्ड लीडर इन वायरलेस टेक्नोलॉजी क्वालकॉम ऑफर्स डीप टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड इनसाइट्स दैट विल हेल्प अस डिलीवर ऑन आवर 5G विजन एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फॉर बोथ पीपल एंड एंटरप्राइजेस. तो यहां पर 5G के विजन के लिए बेसिकली क्वालकॉम का इन्वेस्टमेंट कराया गया है. बहुत ही स्ट्रेटजी की इन्वेस्टमेंट है यहां पर, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 5G जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है नेटवर्क बेसिस पे. और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू देखिए ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स जियो ने किए हैं, मैं यहां पढ़ाना चाहूंगा आपको, जियो प्लेटफॉर्म्स हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस इस डिजिटल इकोसिस्टम, जिसके अंदर देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी, ब्लॉकचेन जैसी चीजें भी शामिल हैं. उसको बहुत ही ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई देगी आने वाले टाइम में. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है, खबर है. ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज इतने एक्साइटेड मूड में है, ये न्यूज उसको और भी ज्यादा एक्साइटमेंट की तरफ लेके जाती है. ये एक बिग डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है. चलिए अब मैं आपको सीधे इसके चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं, यहां दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए क्या पोजीशन अभी बनती हुई नजर आ रही है. तो सिंपल एंड क्लियर कट यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, 15 जुलाई 2020 को है AGM, और AGM में हो सकता है कुछ और भी बड़ा अनाउंसमेंट जिसकी वजह से स्टॉक आपको और भागता हुआ नजर आएगा. अब यहां पर अगर आप देखें तो देखिए ऑलरेडी जो स्टॉक है वो एक नए 52 हाई पर बैठा हुआ है. कल यानी 13 तारीख को इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया था 1447 रुपए के आसपास. अभी इसकी जो RSI की पोजीशन है वो है अपने ओवरवैल्यूड जोन में, और यहां पर ये एप्रोक्सीमेटली 76 पॉइंट्स के ऊपर फ्लोट करता हुआ हमें नजर आ रहा है. अब देखिए यहां पर आने के बाद में ये अगर कुछ टाइम भी यहां रुकता है तो आप ये मान के चलिए यहां से आपको एक अप मूवमेंट ही दिखाई देगा, ये अभी डाउन नहीं आएगा, क्योंकि एटलीस्ट जो खबरें इसमें बड़ी बड़ी आ रही हैं और अब इन्वेस्टर्स ने जो इनके साथ में करार किए थे एज पर टू दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पैसा आना शुरू हो गया है. तो यहां पर आपको अभी नीचे आने के चांसेस बहुत कम नजर आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज. ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से 2000 रुपए तक का मूव आपको दिखा सकता है, एक चीज. दूसरी बात ये चीज रहेगी कि देखिए इसका बड़ा टारगेट हम लोग क्या देख सकते हैं. बड़े टारगेट के लिए मैं ये बताता हूं कि देखिए जब तक ये अपने ओवर वैल्यूड जोन में यहां पर टिका हुआ है तब तक इसमें कोई बड़ा टारगेट आपको नहीं देखना चाहिए. एटलीस्ट ये चीजें डाइजेस्ट हो जाने दीजिए कि इसकी AGM है कल और उसके बाद में जो पैसा आ रहा है उन सारी चीजों के देखिए उन सारी बातों को एक बार यहां पर अकॉम्प्लिश्ड हो जाने दीजिए. उसके बाद में डेफिनेटली आपको यहां पर एक कूल ऑफ पीरियड दिखाई देगा जिसके अंदर ये इसका जो RSI है वो अपने नॉर्मल बैंड के अंदर यहां पर कहीं फ्लोट होता हुआ नजर आएगा. जब वो कूल ऑफ होगा तो यहां पर जो प्राइस गिरेंगे उसके ऊपर हम लोग यहां पर पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म्स. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताता हूं इसके टारगेट 2400 रुपए तक भी देखे जा रहे हैं. तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप इसके अंदर जरूर प्ले कर सकते हैं 2000 रुपए के मूव के लिए, 2000 रुपए के टारगेट के लिए, और यहां पर बहुत अच्छा जंप आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है. बाकी देखिए अभी 14 जुलाई 2020 को अभी मार्केट्स ओपन होंगे, आज पता चलेगा कि हमें किस तरह के मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाया है. तो देखिए ये वीडियो था मेरा जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्वालकॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश करने जा रहा है और यहां पर एक अच्छा मूव आपको उस खबर का भी देखने को मिल सकता है. आपको ध्यान देना होगा कल की AGM पर, यानी कि 15 जुलाई 2020 की AGM पर, वहां से क्या चीज निकल के आती है और वो ही शायद आगे का इसका जो रास्ता है उसको डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मोड में नजर आ रहा है. तो कल की मीटिंग के ऊपर इसमें नजर बनाए रखेंगे और उसके बाद में आगे का इसके अंदर एक फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आगे इसके जो टारगेट्स हैं उसमें अभी पोजीशंस बनाना चाहिए या फिर यहां पर थोड़ा सा होल्ड करके समय देना चाहिए. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें. मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद.